ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ अच्छा आप जी भी स्टॉप पे जाएंगे वहाँ पे हो सकते मेट्रो भी नहीं मेट्रो चलो उधर पहुँच के देखते हैं ना मैं मुझे तो आपकी बात अपनी जगह सही है उसी रोज़ हमने इस तरह किया था मेट्रो तो हमने इस तरह किया कि सदर उधर स्टेशन तक ही मेट्रो पर जाएंगे बस साथ उतरेंगे सामने आपको रेस्ट किया हमने सदर बैठ गए फैजाबाद ऊपर गए तो नहीं आपको लगता है कि नीचे जो मरी रोड है उस पर रश होगा थोड़ी सी रश होती है वो वहाँ जाता रहता हूँ कोई नहीं मेट्रो का आपको ठीक है लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते और टिकट लेते मेट्रो में फिर बैठते उसे उतरते तो वो हिसाब इससे ज्यादा ही हो जाएगा हमें तो इशू कोई नहीं है देखो मसला से वैसे ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका वही कह रहा हूँ टाइम पे पहुँचे ना टाइम अभी है नहीं किसी तरह सूरत में भी ये हमने एक टेस्ट ऑलरेडी जुम्मे को दिया हुआ है ना एग्जैक्ट 2 बजे वो बैठ जाते हैं हाँ ये गवर्नमेंट है ये नहीं ये वाइफ मेरी है लड़ी नहीं ये इसमें डोमिसाइल की बात नहीं की उसने जर्नल है ये वो नहीं नहीं वो नहीं कैंटोनमेंट नहीं है डिफेंस वाली जॉब नहीं है कैंट गैरेजन जो स्कूल और कॉलेज होते हैं हाँ कैंट और गैरेजन आपने पढ़ा है कुछ अच्छा अभी तो छोटे से छोटे जॉब के लिए भी इतनी क्वालिफिकेशन मांगते हैं कि पढ़ाई के थ्रू जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जॉब में करो ये पढ़ाई नहीं है मैं नहीं ये बाजार तक ये बेहतर है आपने अभी कोई किसी भी सब्जेक्ट में मेसी की होती है ये अभी जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो मैंने उसे कॉल की है सिफारिश की नहीं नहीं वो कॉल की है मैंने कहा यार कह रहे थे कि आज ना 2 टेस्ट हैं इनके तो मैंने कहा क्या वो कहते हैं कि दे दे बस कोई तो वो कहते हैं यही कुल बराबर है कॉन्ट्रैक्ट पे है दोनों देखो 20 से 25 हज़ार से ली कोई जॉब्स में इतना जॉब पे इतना होता ही नहीं है निकल निकल कल मेरे पड़ोसी ही हैं वो पता नहीं ये मेरे कल से इसमें ऐसे ट्रेड में जॉब कर रहे हैं उनसे मैंने कन्फर्म किया अंकल आप कब भर्ती हुए थी कह रहे बेटा जब मेरी 1000 रुपये सैलरी थी मैंने कहा अभी जॉब रिटायरमेंट के करीब लगने वाले कह रहे हैं बेटा 3 साल रहेंगे मैंने कहा सैलरी कितनी कह रहे हैं 50,000 रुपये यार जॉब मेरी ज़िंदगी को गुजार गई अभी से मेरी सैलरी अभी क्या गुजार रही है देखो पैसा तो हमेशा बिजनेस में होता है वो जॉब में नहीं होता जॉब में इवन आप बहुत बड़ा भी अफसर बन जाए तो 3 लाख तक सैलरी होगी ना गवर्नमेंट में 3 लाख से ऊपर किसी जगह ऐसी नहीं है 3 लाख ले रहा हूँ ठीक है हाँ अगर कोई ऐसी प्राइवेट है जो आप 10 लाख ले रहे हैं वो कितने लोग ले रहे हैं आपको पता है ठीक है वो तो बहुत चंद ही लोग होंगे ना जॉब्स में इस तरह की सैलरीज नहीं होती है अभी तो ये बहुत आसान काम निकला हुआ है करीमा उबर वाला ना
अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, बस पार्ट टाइम काम कर रहे लोग। हाँ, और बहुत से लोग इसमें सरकारी जॉब या कोई इस तरह भी करके इसके साथ गाड़ी रखी हुई है, खुद भी चला रहे हैं। हाँ, चला रहे होते हैं। उस दिन मैंने देखा ये मैं जॉब करता है, मतलब बहुत से लोग हैं ना, मेरी 60-70,000 मेरी सैलरी है, पार्ट टाइम मैं करीब में गाड़ी चला रहा हूँ, यही भी नहीं मैं चला रहा हूँ, मेरे भाई से मेरा घर का खर्चा चल रहा है और मेरा अपना खर्चा निकल रहा है, अभी वो मेरी सैलरी हो गई यार। अगर महीने की 40 भी बंदे को बचता है, घर तो घर का खर्चा और अपना खर्चा निकल जाता है। हाँ, तो फिर करें ना आप जॉब, ढूंढे जॉब में क्या सैलरी है। जॉब जिस बेस पे मैं, जिस बेस पे मेरी क्वालिफिकेशन है, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 15-20,000 रुपये वाली जॉब भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। उसमें क्या करेंगे आप, एक जगह जाके सारा दिन आपने उधर 12-12 घंटे ड्यूटी करके। हाँ, उसके अलावा जो उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, सब कुछ सुनना पड़ता है, कहीं जाना पड़ जाए तो फिर इनसे छुट्टी लेने के लिए मैंने तरले करने जी सर मुझे छुट्टी देने, मेरी मजबूरी है। हाँ, फिर छुट्टी के लिए किसी को मारना पड़ता है। हाँ, कि वो मेरा फलां बंदा मर गया छुट्टी इसी तरीके अच्छा नहीं। देखो ये हम 2 महीने पहले अप्लाई किया था, ये पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं हम। हिम्मत नहीं आ रही। नहीं नहीं हिम्मत तो नहीं आ रोगे ना। देखो अब मतलब मैं खुद अपने जॉब के लिए मुझे 7 साल मुसलसल अप्लाई किए मैंने। हाँ, तो छोटी छोटी जॉब करता रहा, फिर आखिर में बस इंसान एक चीज़ के पीछे लगा रहा है सारी ज़िंदगी। मैंने वो अपनी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैं वही सोच रहा था कि करना है तो यही करना है।